हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन थर्ड पार्ट। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं कि सविता एक यंग गर्ल है, वो पिंक ड्रेस उसने पहन रखी है और एक बड़ी महिला के साथ बैठी भी है और पीसेज जो है ऑफ ग्लास उनको वो कलेक्ट कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ ए मैकेनिक्स, उसके हाथ बहुत अच्छे तरह से मूव कर रहे हैं क्योंकि वो काम अच्छे से जानती है। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, मुझे आश्चर्य है कि किस तरह से वो अपने उस बैंगल मेकिंग में हेल्प करती है और काम करती है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये जो बैंगल्स होती हैं भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं और शादी के समय एक शुभ मंगलकारी मानी जाती है। ठीक है, इट विल डॉन हर सडनली वन डे एंड व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद रेड वेल, उसे पता भी नहीं हुआ कि एक दिन उसको इसी ये चूड़ियाँ जो है वो पहन लेंगी और रेड वेल उसे विथ रेड वेल एक लाल घूंघट उसको करना होगा। उसके हाथ जो है डाइड रेड विथ हीना अच्छी एक मेहंदी के साथ उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और यही चूड़ियाँ जो है उसकी कलाइयों में पहनाई जाएंगी क्योंकि वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन तब बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वन बिसाइड हर ओ हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, क्योंकि जो बूढ़ी महिला जो उसके पास बैठी हुई है वर्षों पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि वो एक डॉटर इन लॉ बनी थी, एक बहू बनी थी। तो अब देखिए यहाँ पर नो लाइट इन हर हाइज, अब बैंगल उसके हाथों में नो लाइट इन हर हाइज, वो जो ओल्ड लेडी है वो क्या बोलती, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया हमने, वो बोलती कि एक वक्त हमने शेर भर खाना यानी पेट भर खाना भी हमने नहीं खाया, वो ओल्ड लेडी बोलती है क्योंकि इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, वो उन पुराने दिनों को याद करते बोलती कि हम इतनी कठिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लाइफ टाइम मेहनत करने के बाद में भी हम इतना अच्छा कुछ नहीं पा पाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद में भी। उसका हस्बैंड जो है ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड बड़ी दाढ़ी के साथ में, वो उसका बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, मुझे केवल चूड़ियाँ बनाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और हमने मैंने जो काम करना था वो किया एक घर को बनाने के लिए, फैमिली को इस घर में सर्वाइव कराने के लिए मुझे जो काम करना चाहिए था वो मैंने सारा किया। ऐसा सुनकर के वन वंडर्स इफ हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ऐसा सुनकर के बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उनके घर पर एक छत है और वो छत भी घास फूस छप्पर वाली है। आगे देखिए बच्चों, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, इनकी जो मनी से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं मेकिंग बैंगल्स में, नॉट इवन टू इनफ टू ईट, ना तो इनको खाना खाने और ड्रिंक्स इन एवरी होम, और हर घर में केवल यही समस्या जो है उनको खाने से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, छोटे व्यक्ति जो हैं इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बड़े व्यक्तियों को समझाने में उनका पूरा समय चल जाता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, छोटे जो हैं वो अपने समय के साथ समझ जाते हैं और उनको माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव ऑन द एबिलिटी टू ड्रीम, उन सारे छोटे बच्चों का जो सपना जो ड्रीम उनको आगे कुछ कर गुजरने का जो सपना होता है, इस भट्टियों के पास में वो आकर के फिरोजाबाद में अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और अपने बचपन को मार देते हैं। वाई नॉट ऑर्गनाइज योर सेल्फ टू इन टू ए कॉपरेटिव, उनसे जब अनीश जंग पूछती है कि आप लोग समूह क्यों नहीं बना लेते, एक कॉपरेटिव सोसाइटी आप ऐसा ग्रुप क्यों नहीं बनाते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैड फॉलन इन टू द वीसी सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, मीन्स ये जो लोग थे वो डिस्कस कर रहे थे, एक सर्कल बना करके बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप लोग कोई क्यों आप लोग कोई अपनी सर्कल या फिर अपना कोई कॉपरेटिव सोसाइटी या ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। तो उनमें से एक जवाब देता है सर्कल में से कि इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, पहली बात तो हम ऐसा होते नहीं है, ठीक है, यदि अगर हो भी गए ऑर्गेनाइज तो वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो अगर हम हो भी गए तो सबसे पहली चीज़ कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल ले जाएगी, फिर मारेगी, इलीगली हमारे ऊपर काफ़ी चार्जेस लगा दिए जाएंगे, एंड देर इज़ नो लीडर, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास में देर इज़ नो लीडर अमंग दैम, कि हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई लीडर भी नहीं है हमारा, क्या है, कोई लीडर नहीं है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, इन्होंने कोशिश की और इनके पिता जो हैं वो सब कुछ, यानी उन ग्रुप में जो बड़े जितने व्यक्ति थे वो बोल रहे हैं कि इनमें से जितने भी व्यक्ति हैं वो सब कोशिश कर चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू जस्टिस, हम सभी ने दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, वो सभी बात कर रहे थे कि
कि वो गरीबी से लेकर के एक लालच और एक अन्याय की सभी बातें वो क्लियरली समझा रहे थे कि हमने ये कोशिश कर ली है और हमारे पूर्वजों ने भी ये कोशिश की थी। तो उनको सुनकर के यहाँ पर बच्चों इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब द टू टाइप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द अनीजंग। यहाँ पर उनको सुनकर के उसे दो तरह की दुनिया समझ में आई कि एक फैमिली जो है कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, क्यों गरीबी में और उन सब में जो दुख परेशानी जो है उनकी उनके अंदर वो फंस चुके हैं। द अदर वीसीएस सर्कल ऑफ द शॉकर्स शाहूकार सॉरी और अदर एक ऐसा सर्कल जो है उनमें वो फंस चुके हैं कि साहूकार मिडल मैन मतलब जो ये बिचौलिए जितने भी होते हैं पुलिस और लोगों को संभालने वाले ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं पॉलिटिशियंस जो होते हैं ठीक है, इन सब के बीच में ये सब गरीब लोग जो हैं वो बेचारे फंस चुके हैं बुरी तरह से। उनको टुगेदर दे हैव पॉजेस द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, उनको दे हैव इम्पोज द बैगेज एक ऐसा वजन उन बच्चों के ऊपर लाद दिया है कि वो बच्चे जो है उस वजन को नीचे नहीं रख सकते हैं या उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। बिफोर इज अवेयर ई एक्सेप्टेड नेचुरली एज इज फादर, जब तक बच्चा समझदार होता है वो अपने पापा के पिता की बातों को स्वीकार कर लेता है और वो जो भी बच्चे को बोला जाता है वो करने के लिए साहस जुटा लेता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ विथ इज ग्रोइंग अप, और केवल अपने पापा की बात मान करके और साहस को दिखाना ही केवल बड़ा होना थोड़ी ना है। वैन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, एंड वैन आई एम सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब भी मुझे सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन कि जब भी मुझे मुकेश की बात याद आती है तो आई एम चीयर्ड आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, तो मैं थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ कि जब मुकेश की बात मुझे याद आती है कि वो बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। एंड ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है, ही विल गो टू गैराज एंड लर्न बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। तो उससे पूछा जाता है कि ही विल गो टू ए गैराज, उससे पूछा जाता है कि वो गैराज जाएगा और सीखेगा, और उसके गैराज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से गैराज बहुत दूर है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना सीखोगे सीखना चाहते हो, तो वो सडनली साइलेंट हो जाता है क्योंकि दूर ग्राउंड पर बैठे वो सिर्फ और सिर्फ मरमर बड़बड़ाता रहता है, एम्ब्रेस फील करता है और ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का सपना देख सकता है, लेकिन वो अपनी गलियों में जब झांक करके देखता है तो फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई और फिरोजाबाद, वो उसे धक्का लगता है, चोट लगती है मुकेश को, क्योंकि वो कार तक तो अपने आप को सेटिस्फाई मानता है कि वो सपना उसका पूरा हो सकता है, लेकिन जब फिरोजाबाद के ऊपर से एयरप्लेन उड़ते हैं और उस बात को वो याद करता है कि क्वेश्चन उससे पूछा गया कि क्या प्लेन उड़ाना चाहते हैं, तो मुकेश कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर अनीस जंग के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो दुनिया निकल के आती है, एक मुकेश की और एक है साहिब आलम की, रैग पिकर्स की एक दुनिया आती है हमारे पास में और एक बैंगल मेकर्स की, दो लाइफ और दो वर्ल्ड इसमें हमारे को क्लियरली बताए गए हैं। सो माई स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अनीस जंग ने बहुत सुंदर तरीके से क्या किया है, हमारे को ये चैप्टर समझाया है कि किस तरह से जो पूरी दुनिया है उसमें बच्चों को चाइल्ड लेबर में जो धकेला गया है उसको हमें बचाना होगा, किसी तरह से कोशिश करनी होगी हमारे आसपास, हम कोशिश करें कि हमारे आसपास जो गरीब बच्चे जो पढ़ाई न कर पाने के कारण पैसों की तंगी के कारण दुकानों पर काम करने को मजबूर हैं, आप भी अपने आसपास ध्यान दें और इन सबको छुटकारा दिलाएं वहाँ से। ओके माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे वेल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।